हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो आज हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर के 2017 के, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें भी करंट अफेयर्स आते हैं और रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, स्पेशली आपका जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी, और CHSL के एग्ज़ाम के लिए भी जो कि मार्च में होना है आपका, और भी जो गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं जो रिसेंटली होने वाले हैं, उन सब के लिए जो है दिसंबर के ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, SSC JE की GK की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, CHSL से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप प्लीज़ इनके वीडियोस एक्सेस कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें एट आर ईमेल एड्रेस inquiry.toppersonly, यहाँ पे जो है आपको जानकारी मिलेगी कि कहाँ से आपको PDF कैसे मिलेगा। inquiry.toppersonly@gmail.com नीचे भी दे रखा है ईमेल एड्रेस। और तो चलिए शुरू करते हैं, तो 1 दिसंबर ऑनवर्ड शुरू करते हैं। इससे पहले नवंबर का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इंडिया एंड स्पेन हैव साइंड टेक्नो कमर्शियल एग्रीमेंट टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो इंडिया और स्पेन ने जो है आपस में साइन किया है ये एग्रीमेंट, और इसके अंतर्गत जो है अभी इन द फर्स्ट फेज 3 कॉरिडोर्स जो बने हैं वो बनेंगे, और इसको RRTS कॉरिडोर कहा जा रहा है। RRTS का क्या मतलब है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो RRTS का मतलब है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स, और ये जो 3 RRTS कॉरिडोर्स हैं ये आपके कहाँ कहाँ बनेंगे? दिल्ली मेरठ स्मार्ट लाइन है इसका हिस्सा, दिल्ली पानीपत स्मार्ट लाइन है इसका हिस्सा, और दिल्ली अलवर स्मार्ट लाइन है इसका हिस्सा। और ये जो है किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया और स्पेन के बीच में, तो याद रखेंगे। उसके बाद जो है वर्ल्ड्स एड्स डे होता है दिसंबर 1 को। इंडो UK कम्बाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसके बारे में मैंने आपको अपने मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो में भी बताया था, वो हुई है राजस्थान में, दिसंबर 1 से शुरू हुई, अजया वॉरियर 2017, तो नाम है अजया। किस किस के बीच में है? इंडो एंड इंडिया और UK के बीच में है मिलिट्री एक्सरसाइज। मिशन संपर्क वॉज लॉन्च्ड टू ट्रेस दोज हु आर लेफ्ट टू फॉलो अप। तो वर्ल्ड एड्स डे की वजह से जो है मिशन संपर्क जो है वो लॉन्च हुआ है। तो मिशन संपर्क किससे रिलेटेड है? एड्स से रिलेटेड है, और जो है इसमें जो है जो लोग रह गए हैं फॉलो अप के लिए, या फिर जिनको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अभी नहीं मिली है उनके लिए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और जो 90-90-90 स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी भी जो है एड्स की ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड है। इंडिया को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन मिला है क्योंकि उसने जो है इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को जो है वो रोका हुआ है बाय कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा CITES के अंतर्गत। और ये जो अवार्ड है CITES ने दिया है, और किसको दिया है ये अवार्ड? जो है WCCB को मिला है, जो जिसका मतलब है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो ये याद रखिएगा, ऑपरेशन सेव कर्म जो है वो नाम है जिसके थ्रू जो है वाइल्ड लाइफ ट्रेड को, इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोका जाता है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 18th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। और कहाँ हुआ ये शुरू? ये हुआ नागालैंड में शुरू। तो कहाँ का रीजनल फेस्टिवल है ये? नागालैंड का है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप कि ये जो फेस्टिवल है ये नागालैंड का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ यूनैनिमसली पास्ड कापू रिजर्वेशन बिल। तो जो कापू कास्ट है उसका लिए जो है एक रिजर्वेशन बिल पारित किया है आंध्र प्रदेश ने, और इसको जो है इंक्लूड कर दिया है OBC में, और 5% रिजर्वेशन जो है दे दी है। इससे जो टोटल रिजर्वेशन है वो हो गई है 55% इन आंध्र प्रदेश, तो जो कि खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, क्योंकि मैक्सिमम कैप जो है 50% की है, तो ये 55% हो गई है। तो इसके लिए जो है, लेकिन आंध्र प्रदेश ने पहले ही पास कर दिया है बिल और सेंटर के पास भेज दिया है, और सेंटर से ये रिक्वेस्ट की है कि इस रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में रखा जाए। क्यों? क्योंकि 9th शेड्यूल में होने से उसे जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद दिसंबर 4 द तेलंगाना गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू सेटअप द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड
टेक्नोलॉजी कैंपस फॉर दिव्यांग्स। तो दिव्यांग्स के लिए जो है पहला आईटी कैंपस बनाने जा रही है तेलंगाना गवर्नमेंट, कहाँ पे? हैदराबाद में। और क्यों ये अनाउंसमेंट हुई? वर्ल्ड डिसएबिलिटी डे की वजह से, जो कि होता है 3 दिसंबर को। द फर्स्ट फेज ऑफ ईरान छबाहर पोर्ट, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखने में है ईरान का छबाहर पोर्ट, बट इंडिया के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये पोर्ट जो है इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान जो है मिलके बना रहे हैं। इसका नाम शहीद बेहिश्ती पोर्ट भी है, और इसका जो है फर्स्ट फेज़ जो है वो इनॉग्रेट हो गया 4 दिसंबर को। और ये जो है ईरान का इकलौता ओशियनिक पोर्ट है, जो कि गल्फ़ ऑफ ओमन में लोकेटेड है, गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो है नियर पाकिस्तान बॉर्डर है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टैटिस्टिकली इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम पाकिस्तान का एरिया जो है वो अवॉइड करते हुए ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नॉक्सिनो, अ नेसल फॉरेन बॉडी रिमूवल डिवाइस डेवलप्ड बाय अ स्टार्टअप इन एसएल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। वेनेजुएला हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड पेट्रो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, इन सब के बारे में इतनी बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला जो है उसने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है पेट्रो। वेटरन एक्टर शशि कपूर पास्ड अवे ऑन December 5th, उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2011 में, और दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था 2015 में। दी फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑन आयुष एंड वेलनेस सेक्टर आरोग्य 2017 वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, और ये आयुष जो है ये हमारी फॉर्म ऑफ मेडिसिन हैं, और इसका मतलब है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोरिग्पा एंड होम्योपैथी, तो इन सब से मिलके आपका बना है आयुष। फिर December 6th को सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड विद इंडिजीनस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर अगेंस्ट टारगेट UAV बैंजी। इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3, और कहाँ से लॉन्च की गई? चांदीपुर उड़ीसा से। मोस्टली जो है हमारी मिसाइल्स यहीं से लॉन्च की जाती हैं, और ये आकाश जो है ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है ज़्यादातर कि आकाश मिसाइल दैट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन December 6th इज़, तो इट इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, इट इज़ अ सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके अलावा December 6th को RBI ने अपने जो अलग अलग रेट होते हैं वो डिक्लेयर किए, रेपो रेट जो है उन्होंने अनचेंज रखा 6% पे। December 7th को नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ने 3 मेंबर की कमेटी बिठाई है टू स्टडी दी मैटर ऑफ गिविंग माइनॉरिटी स्टेटस टू हिंदूज़। जी हाँ, हिंदूज़ को माइनॉरिटी स्टेटस देने के लिए कमेटी बैठी है। 8 स्टेट्स में ये स्टेटस की डिमांड है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है हिंदूज़ की less than 50% है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन December 7th दी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ हैज सेट अप 3 मेंबर कमेटी टू गिव माइनॉरिटी स्टेटस टू कौन सी रिलीजन को, तो उसमें जो है हिंदू आएगा आपका आंसर। और ये कौन सी स्टेट्स है जहाँ पे ये डिमांड हो रही है? तो लक्षद्वीप स्टेट है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड पंजाब। जी हाँ, पंजाब में भी जो है हिंदूज़ की परसेंटेज 38.40% ही है। NCM के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेट अप अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992। इंडिया और इसराइल ने जो है जॉइंटली एक करार किया है टू सेट अप अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फ्लोरिकल्चर। कहाँ पे सेटअप करेंगे ये? कृषि नगरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया और इसराइल के बीच में टू सेटअप अ फ्लोरिकल्चर इंस्टीट्यूट, और कहाँ पे? तमिलनाडु में, तो ये ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इसराइल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसराइल की कैपिटल जेरूसलम जो है डिक्लेयर मान ली थी, रिकॉग्नाइज कर ली थी, जो लेटर ऑन अभी यूनाइटेड नेशंस ने जो है इसका जो है इसे नल एंड वॉइड करार दिया है। उत्तर प्रदेश जो है वो पहली स्टेट बन गई है जिसने सेंटर का ट्रिपल तलाक का ड्राफ्ट बिल जो है वो एंडोर्स किया है।
ट्रिपल तलाक जो है उसके ऊपर ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है और उसको जो है क्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है, और ये कहते हुए क्रिमिनलाइज़ किया गया है दैट इट वॉयलेट्स आर्टिकल 14 दैट इज़ इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिसंबर 8 को यूनेस्को ने जो है कुंभ मेला जो हमारे इंडिया में लगता है उसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में जो है शामिल कर दिया है। इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं इंडिया की, जैसे कि कुडियाट्टम जो कि संस्कृत थिएटर है केरला का, मुडियट जो कि थिएटर रिचुअल है केरला का ही, कालबीलिया जो कि फोक सॉन्ग्स और डांसेस हैं राजस्थान के, कीर्तना जो कि सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग रिचुअल है मणिपुर का, और रमन जो कि रिलीजियस फेस्टिवल है गढ़वाल हिमाचलियाज का। तो ये भी ध्यान रखेंगे इन सारों का। और कुंभ मेले की अगर हम बात करें तो ये जो है हर तीसरे साल जो है, चार जगह हैं जहाँ ये लगता है, तो हर तीसरे साल एक जगह लगता है, फिर 3 साल बाद दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह रोटेशन पे, तो एक जगह पे ये 12 साल बाद लगता है। और ये जो चार जगह हैं ये हैं हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। तो गंगा है हरिद्वार पे, प्रयाग संगम है इलाहाबाद में जिसके पास ये मेला लगता है, गोदावरी है नासिक में और शिप्रा है उज्जैन में। तो ये भी याद रखेंगे रिवर्स के नाम। मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ अप्रूव्ड $346 मिलियन लोन फॉर हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक हो या फिर आपका ADB हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या और भी कोई इस तरह की जो यूनिट्स हैं उनसे जो भी इंडिया लोन लेता है वो इम्पोर्टेंट है। और उस कैसे याद रखें कि किस चीज़ के लिए लिया गया है वो लोन, तो एक तो अमाउंट याद रखिए और एक डेट याद रखिए। तो उस डेट को इतनी अमाउंट का जो लोन लिया गया है वो किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है, तो एक टेबल बना लीजिए जिसमें डेट, अमाउंट और प्रोजेक्ट का नाम लिख लीजिए, क्योंकि नहीं तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। रिनाउंड हिंदी स्कॉलर एंड राइटर ममता कालिया वॉज चोजन फॉर व्यास समन फॉर हर नावल दुखम सुखम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, व्यास समन मिला है हिंदी स्कॉलर एंड राइटर ममता कालिया को फॉर हर नावल दुखम सुखम। रियल मैड्रिड और पोर्टुगल सुपरस्टार जो हैं रोनाल्डो, उनको मिली है गोल्डन बॉल फॉर वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर इन पेरिस फ्रांस, और इसके साथ जो है ये इनको 5th बार मिली है, और इससे उनका रिकॉर्ड जो है वो मेसी के रिकॉर्ड के इक्वल हो गया है। दोनों को ही 5 बार जो है ये अवार्ड मिल चुका है। एलीट एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम वेसनार अरेंजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एडमिट इंडिया एज इट्स न्यू मेंबर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्यों है, क्योंकि इससे जो इंडिया बार बार जो है NSG का हिस्सा बनना चाहता है उसके जो है दावेदारी और मजबूत हो जाती है। इससे इंडिया ने बोधि पर्व होस्ट किया था, कहाँ पे, दिल्ली में किया है, और ये जो है बिम्स्टेक फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज के अंतर्गत किया है टू सेलिब्रेट द 20th एनिवर्सरी ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान। तो जो भी बुद्धिज्म फॉलो करती है उनकी जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया ने पहली मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है सेटअप की है, जो कि ऑन द स्पॉट जो है चेक कर सकती है फूड की क्वालिटी को। और ये कहाँ लॉन्च हुई है, ये गोवा में हुई है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस हैव अनाउंस्ड डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ मैटर कॉल्ड एक्साइटोनिम। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम इन्फेक्टिव ट्रैकोमा, अ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द आई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिसंबर 9 में इंडिया जो है कौन सी आई इन्फेक्शन से जो है फ्री हो गया है, तो ट्रैकोमा से जो है इंडिया जो है फ्री हो चुका है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है दिसंबर 10th को। जिनीवा बेस्ड इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है एट द सेरेमनी इन ओस्लो नॉर्वे। 2017 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इंटरनेशनल कैंपेन को, जिसका जो कैंपेन है वो है न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के ऊपर। उसके बाद जो एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
और उसका और इंडिया का जो मिलके कनेक्टिविटी समिट हुआ है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसकी समिट की थीम थी पावरिंग डिजिटल एंड फिजिकल लिंकेजेस ऑफ एशिया इन द 21st सेंचुरी। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक बात और बता दूं कि इंडिया जो है वो एसियान का मेंबर नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ लॉन्च अ डोर टू डोर कैंपेन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑन डिसम्बर 11th द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च अ डोर टू डोर कैंपेन अगेंस्ट विच डिजीज़। तो इट वॉज लॉन्च अगेंस्ट टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट है ये कैंपेन। 12 दिसंबर को जो है यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करेगी, और 2018 को जो है वो ईयर ऑफ स्पोर्ट्स माना जाएगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड फर्स्ट NICCERT सेटअप ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर टू प्रिवेंट एंड प्रिडिक्ट साइबर अटैक्स ऑन गवर्नमेंट यूटिलिटीज़। तो क्या नाम है? NICCERT, टू प्रिवेंट एंड प्रिडिक्ट साइबर अटैक्स ऑन गवर्नमेंट यूटिलिटीज़। उसके बाद 13 दिसंबर इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी कमिंग टू आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। इंडिया इज़ प्लानिंग टू होल्ड टॉक्स विद एशियन कंट्रीज़ टू एक्सटेंड, जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे बन रहा है उसको वियतनाम तक एक्सटेंड करने का जो है बात करना चाहती हैं इंडिया। इंडिया विल होस्ट 3rd एनुअल मीटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB इन मुंबई, महाराष्ट्र, इन June 2018। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्थापना जो है, शुरुआत जो है चाइना ने की थी इस बैंक की। श्रीलंका ने जो है फॉर्मली हम्बनतोटा पोर्ट जो है वो चाइना को हैंड ओवर कर दिया है। ये सारे ही पोर्ट जो हैं आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो हम्बनतोटा पोर्ट जो है श्रीलंका में है, इसी तरीके से इनका गवादार पोर्ट बन रहा है पाकिस्तान में, जो चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड एफर्ट से बन रहा है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ साइंड अगेन, देखिए, $250 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक। तो $250 का किसके लिए किया है? टू स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन टू सपोर्ट लाइवलीहुड, इस प्रोजेक्ट के लिए किया है। और वर्ल्ड बैंक की कौन सी ब्रांच जो है इस लोन को देगी? तो IBRD जो है वो ये लोन प्रोवाइड करेगी। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये इस तरीके के आप ये इसको टेबल को बना लीजिएगा। राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च फ्री ईमेल एड्रेस इन हिंदी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जो है इन इट्स एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट्स हैज लोअर द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर करंट फिस्कल ईयर। तो जो ADB बैंक है उसने जो है हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है अब लो कर दिया है। पहले 7% माना था उसने कि ग्रोथ करेगा इंडिया फिस्कल ईयर 2017-18 में, पर अब उसको घटा दिया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2018 के हिसाब से इंडिया में जो है इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद INS कलवरी जो है उसको जो है इंडियन नेवी को दे दिया गया है। इट इज़ दी फर्स्ट स्कॉर्पिन क्लास नॉन न्यूक्लियर स्टेल्थ क्लास सबमरीन। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा इसके बारे में कि ये क्या क्या है, और ये जो है कौन से प्रोजेक्ट के अंडर बनी है। तो ये बनी है प्रोजेक्ट 75 के अंडर, और किसने बनाई है? मेजगॉन डॉक लिमिटेड ने बनाई है विद असिस्टेंस फ्रॉम फ्रांस DCNS। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इंडिया और फ्रांस की कोलैबोरेशन से जो है INS कलवरी बनी है, और कलवरी जो है ये मलयालम वर्ड है जिसका मतलब है डीप सी टाइगर शार्क। December 15th साइंटिस्ट जो हैं MIT के, उन्होंने एक तरीका निकाला है जिससे प्लांट्स के अंदर जो है नैनो पार्टिकल्स भेजे जा सकते हैं और वो अंधेरे में ग्लो करने लग जाते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इससे जो है लो लाइट्स की जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू क्लब 2 फेसेस ऑफ केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये UP और मध्य प्रदेश के बीच में है, और इससे जो है कैन और बेतवा रिवर जो है लिंक की जाएंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा कैन रिवर में वाटर है वो बेतवा में ट्रांसफ़र किया जा सके, ताकि बुंदेलखंड रीजन को जो है इरिगेशन के लिए वाटर मिल सके। फिर यूवरीन 2017
जो कि इंडिया मालदीव्स की मिलिट्री एक्सरसाइज है वो हुई है, तो याद रखेंगे इंडिया मालदीव्स की जो है कुवरिन 2017 दिसंबर 15 को शुरू हुई, इट इज़ दी 8th एडिशन। मेघालय जो है पहली स्टेट बन गया है जिसने जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक सर्विसेज सोशल ऑडिट एक्ट जो है वो लाया है। द कर्नाटका हाई कोर्ट है स्ट्रक डाउन द 2014 अमेंडमेंट रूल, तो जो ये रूल पारित किया था 2014 अमेंडमेंट के बाद कि जो टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सिगरेट वगैरह उनके पे 85% स्पेस जो उनके पैकेट्स हैं उन पे 85% स्पेस पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए शोइंग दैट इट इज़ हार्मफुल, तो इसको जो है टर्न डाउन कर दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। और जो है ये रूल जो 85% का आया था वो किसके थ्रू आया था, ये जो है आपका COTPA 2014 के हिसाब से आया था जो कि इफ़ेक्ट में आया था अप्रैल 2016 में, और इस एक्ट का नाम था द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल 2014, तो सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स अमेंडमेंट रूल, तो ये कोटपा था आपका जिसने जो है 85% पे जो है ये लगाने के लिए कहा था, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको वापस कम कर दिया है कि जितना पहले लगाते थे आप उतने पे ही लगाएं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 और ये जो है रिप्लेस करेगा मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को। ये देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा बिल आया, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 जो अप्रूव हुआ है वो कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा, तो ये मेडिकल काउंसिल 1956 एक्ट को रिप्लेस करेगा। द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी ITCOO एज अ कैटेगरी 2 सेंटर ऑफ यूनेस्को इन हैदराबाद तेलंगाना, तो ध्यान रखिएगा कि यूनियन गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करेगी ITCOO इन हैदराबाद तेलंगाना। NGT ने बैन कर दिया है प्लास्टिक आइटम्स को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया है, कौन सी रिवर के पास प्लास्टिक आइटम्स को बैन कर दिया, गंगा रिवर के पास। फिर SpaceX जो है उसने फर्स्ट टाइम जो है सक्सेसफुली लॉन्च की है रिसाइकल्ड रॉकेट एंड स्पेसशिप। SpaceX जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा जो है उसने 8th प्लैनेट डिस्कवर किया है सर्कलिंग अराउंड कैप्लर 90 जो है एक सन लाइक स्टार है और उसके चारों तरफ जो है 7 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो 8th प्लैनेट अब डिस्कवर हुआ है दिसंबर 18th को, और जो है ये जो कैप्लर 90 सन लाइक स्टार है ये 2545 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम अर्थ, और ये जो नया स्टार जो नया प्लैनेट डिस्कवर हुआ है कैप्लर 90i रखा है इसका नाम, और ये जो है काफ़ी हद तक अर्थ की तरह है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 60 मेगावाट टूरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन एजवाल मिजोरम, तो कहाँ पे किया है, मिजोरम में किया है टूरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का डायस्पोरा जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, यानी कि इंडियंस जो हैं सबसे ज़्यादा अब्रॉड रहते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU विद अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन एक्स, यानी गूगल एक्स के साथ आंध्र प्रदेश ने एक MOU साइन किया है टू ब्रिंग फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इंडिया, तो आंध्र प्रदेश ने किया है ये MOU साइन गूगल एक्स के साथ। गवर्नमेंट इंक्स MOU विद मारुति सुजुकी टू सपोर्ट स्किल इंडिया इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ध्यान रखिएगा। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI है उसने परमिशन दे दी है फॉर द टेस्टिंग ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर जीका वैक्सीन। जो जीका वायरस है वो जो है एडीज इजिप्टी मस्कीटो से फैलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये जो है अगर प्रेग्नेंट वुमेंस को हो जाए तो बच्चों में जो है ब्रेन डेफिशिएंसी पैदा कर सकता है। लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ लद्दाख में, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि लोसार फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, तो लोसार फेस्टिवल जो है वो लद्दाख का है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है तेलंगाना में बन रहा है ये, तो इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है, ये जो है अब तक का कॉस्टलीएस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग जो है हमारा वो एक
मिथेनॉल इकोनॉमिक फंड शुरू करने जा रहा है, मिथेनॉल इकोनॉमी फंड, और जो है ताकि इसमें जो है हेल्प करेंगे फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ क्लीन फ्यूल दैट इज मिथेनॉल. द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017, और ये बिल क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड मोर ऑटोनॉमी टू IIMS. द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड कंपनीज अमेंडमेंट बिल, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन से बिल को अमेंड करेगा, तो ये जो है 40 अमेंडमेंट्स करेगा टू कंपनीज एक्ट 2013. तो कंपनीज अमेंडमेंट बिल जो है टू स्ट्रेंथन कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड विल प्रोवाइड 40 अमेंडमेंट्स टू कंपनीज एक्ट 2013. द लोकसभा हैज़ यूनैनिमसली पास्ड सेंट्रल रोड फंड अमेंडमेंट बिल 2017, तो ये किसको अमेंड करेगा, ये अमेंड करेगा सेंट्रल रोड फंड CRF एक्ट 2000 को. ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है. इंडिया हैज़ इंक्ड फिनेंसिंग एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक, अगेन वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट आ गया, और जो है $125 million का, और जो है स्ट्राइव प्रोजेक्ट के लिए, तो ये भी ध्यान रखेंगे. स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट ऑपरेशन, स्ट्राइव प्रोजेक्ट के लिए जो है ये एग्रीमेंट हुआ है. लोकसभा ने इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, जिसका जिक्र मैंने पिछले करंट अफेयर्स में किया था, वो पास कर दिया है, और ये कौन से एक्ट को अमेंड करेगा, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को जो है अमेंड करेगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. नसीम अल बाहा 2017 जो है हुई दिसंबर में, जो कि इंडिया ओमान की नेवल एक्सरसाइज है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा. इन सारी नेवल एक्सरसाइजेस की एक टेबल बना लीजिए विद डेट्स एंड मंथ्स की कब हुई, क्या नाम है और किस किस के बीच में है. तो इंडिया ओमान के बीच में नसीम अल बाहर 2017 हुई है December 21 में. इंडिया एंड म्यांमार साइंड MOU एम्ड एट डेवलपिंग म्यांमार्स रखीन स्टेट. लोकसभा ने रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल 2017 को पास कर दिया है. इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, और ये जो है किसको अमेंड करेगा, तो ये अमेंड करेगा रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1952, और इसके आने से जो है गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पज़ के लिए कोई भी ज़मीन अगर लेनी है तो वो आसान हो जाएगी, प्रोसीजर आसान हो जाएगा. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ लॉन्च्ड समीप स्टूडेंट्स एंड MEA एंगेजमेंट प्रोग्राम. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ लॉन्च्ड दर्पण द डिजिटल एडवांस्ड ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दर्पण, और इसमें जो है पोस्ट ऑफिसेस को जो है उन एडवांसमेंट की जा रही है, ताकि जो लोग बैंकिंग नहीं करते हैं रूरल एरियाज़ में, वो जो है उनको भी जो है फिनेंशियल इंक्लूजन मिले. द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड ऑक्शन ऑफ 683 प्राइवेट FM रेडियो फ्रिक्वेंसीज. इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स साहित्य अकेडमी ने जो है अनाउंस कर दिया है 24 पोएट और ऑथर्स का नाम, जिनको प्रेस्टीजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा, जो कि दिया जाता है 24 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में. एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV नेम्ड ICGS सुजय, उसको कमीशन कर दिया गया है इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड, एंड इट विल बी बेस्ड एट पारादीप ओडिशा. तो ओडिशा पारादीप के में जो है ये बेस होगा ICGS सुजय. द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ ओवरवेलमली अडॉप्टेड रेजोल्यूशंस डिक्लेयरिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिकॉग्निशन ऑफ जेरूसलम एज इज़राइल्स कैपिटल एज नल एंड वॉइड. तो जो ट्रंप US प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रिकॉग्नाइज किया था जेरूसलम को एज द कैपिटल ऑफ इज़राइल, उसको नल एंड वॉइड करार दिया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने. इंडिया हैज़ साइंड अग्रीमेंट विद स्विट्ज़रलैंड फॉर ऑटोमेटिक शेयरिंग ऑफ टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि ब्लैक मनी के अगेंस्ट एक कदम है, और January 1, 2018 से जो है अब टैक्स शेयरिंग टैक्स जो भी टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होगी इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में. इंडिया की फर्स्ट और ओनली डिज़ाइन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन जो है उसने अपना कैंपस खोला है सोनीपत हरियाणा में, तो ये भी याद रखेंगे. The National Highway Authority of India NHAI has created National Highway Investment Promotion Cell for attracting domestic and foreign investment.
आरबीआई ने जो है इनिशियली जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया है किस बैंक के अगेंस्ट, पीसीए कहते हैं इसे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन तो अगेंस्ट बैंक ऑफ इंडिया के लिया है बिकॉज ऑफ उसकी ख़राब हालत की वजह से जो है ये एक्शन लिया गया है बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ। फॉर्मर विकेट कीपर इंडियन सबा ऑफ इंडिया सबा करीम वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ बीसीसीआई। चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च की है अपनी सेकेंड लैंड सर्वेइंग सैटेलाइट LKW2 और चाइना ने ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम ग्रोन AG-600 ऑल्सो नोन एज कुनलोंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट जो है उसकी टेस्टिंग की। महाराष्ट्र टॉप्स इन GST कलेक्शन इन फर्स्ट 5 मंथ्स। कर्नाटका तीर्थहल्ली ताल्लुक हैज़ कम अंडर द ग्रिप ऑफ कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज़ जिसे कि मंकी फीवर भी कहते हैं, तो कर्नाटका में जो है ये फैला है और ये जो है एक टिक बॉर्न वायरल डिजीज़ है जो कि होती है KFDV वायरस से, यानी कि किसानूर फॉरेस्ट डिजीज़ वायरस है इसका नाम, जो कि काफ़ी हद तक येलो फीवर वाले वायरस के जैसा है। BND-4201 भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है उसकी शुरुआत की है, जो कि इंडिया का पहला होम ग्रोन हाई प्योरिटी गोल्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा। इससे पहले जो है रेफरेंस के लिए हमारे देश की ज्वेलरी या बार्स की रेफरेंस जो है बाहर के रेफरेंस स्टैंडर्ड से की जाती थी, अब इससे हम जो है इंडिया में ही उसको जो है चेक कर सकते हैं प्योरिटी को। BND-4201 भारतीय निर्देशक द्रव्य। इंडियाज़ फर्स्ट एवर ब्रॉड गेज एयर कंडीशन्ड लोकल ट्रेन जो है शुरू हो गई है और जो कि December 25th से शुरू हुई, बोरीवली स्टेशन से फ्लैग ऑफ हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में और ये अंधेरी स्टेशन से जो है शुरू हुई और चर्च गेट पहुंची। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन लॉन्च्ड EHRMS, फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑन ओकेजन ऑफ द गुड गवर्नेंस डे जो कि होता है 25 दिसंबर को। विजय रूपानी को मिलने जो है वो बन गए हैं 16th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो अभी रिसेंटली हुआ है तो ध्यान रखिएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ लॉन्च्ड पायलट प्रोजेक्ट ब्लू फ्लैग, तो ये पूछा जा सकता है कि ब्लू फ्लैग जो है किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है क्लीनलीनेस ऑफ बीचेस से, तो बीचेस की साफ सफाई से रिलेटेड है ये। उत्तर प्रदेश ने साउथ कोरिया के साथ एक MOU साइन किया है इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, क्योंकि साउथ कोरिया से बहुत सारे लोग जो हैं UP आते हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रकाश है तो विकास है स्कीम, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है प्रकाश है तो विकास है। UP गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड किसान उदय योजना। द यूनियन गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइंड अगेन $318 मिलियन का अग्रीमेंट फॉर द तमिलनाडु इरीगेटेड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, नाम याद रखिएगा प्रोजेक्ट का। ये माना जा रहा है कि बाय 2018 इंडिया विल बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और किसको पीछे छोड़ देंगी, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ देंगे हम। मिशन 7 समिट्स कंप्लीट किया है इंडियन एयरफोर्स ने। क्या मिशन था ये, कि जितने 7 कॉन्टिनेंट्स के जो टॉलेस्ट पीक्स हैं उन पे चढ़ना था, तो ये मिशन जो है इंडियन एयरफोर्स ने कंप्लीट किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ऑफ नासा जो हैं दोनों मिलके काम कर रहे हैं ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, तो निसार पे काम कर रहे हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, कौन कौन मिलके, इसरो और नासा, जो कि एक ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। IPS ऑफिसर अभय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DG ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इंडिया की पहली पॉड टैक्सी जो बना रहा है इंडिया वो US सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करेगी, और ये कहाँ बन रही है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे NH-8 पे नियर एम्बियंस मॉल टू बादशाहपुर वाया राजीव चौक इफ्को चौक एंड सोना रोड, तो यहाँ पे बन रही है ये, और जो नाई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो उसके अंतर्गत जो है ये काम चल रहा है। BJP's 5-time MLA जय राम ठाकुर हैज़ बिकम द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो अभी बने हैं तो इम्पॉर्टेंट हैं। द 25th एडिशन ऑफ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस वॉज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात।
तो ध्यान रखिएगा। द पार्लियामेंट हैज़ पास द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी बिल IIPE बिल, जो IIPE है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उसको जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिल जाएगा। सेकेंड, इंडिया अफगानिस्तान एयर कार्गो रूट जो है वो खुल गया है, जो कि लिंक कर रहा है काबुल और मुंबई को, और इससे पहले जो है पहला एयर कार्गो रूट खुला था जो कि काबुल और न्यू दिल्ली के बीच में था। द लोकसभा हैज़ पास द गुड्स एंड सर्विसेज कंपनसेशन टू स्टेट्स अमेंडमेंट बिल, और ये किसको अमेंड करेगा, ये GST एक्ट 2017 को अमेंड करेगा। इंडिजीनियसली डेवलप्ड पृथ्वी एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड, तो आकाश लॉन्च हुई है, पृथ्वी लॉन्च हुई है, पृथ्वी December 28 को, और पृथ्वी जो है वो सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा। द पार्लियामेंट हैज़ पास नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2017, और ये किसको अमेंड करेगा, ये अमेंड करेगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकेंड एक्ट 2011 को, तो ध्यान रखिएगा। इससे जो है अब समय सीमा जो है, जो पहले 2017 थी 31 दिसंबर, उसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया है। इट इज़ रिलेटेड टू द रिहैबिलिटेशन ऑफ द झुग्गी झोपड़ी एरियाज। द लोकसभा पास्ड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिजेस बिल 2017, डिक्लेयरिंग इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इलीगल। IAS ऑफिसर सुमित्रा मिश्रा को जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया है PMEAC का 5 सालों के लिए। PMEAC जो है वो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर हैव लॉन्च्ड लाइव स्टॉक डिजीज फोर वार्निंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन LDF मोबाइल ऐप, लाइव स्टॉक डिजीज फोर वार्निंग ऐप है ये, और मिनिस्टर ऑफ होम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स हैज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड कि जो रिंडर पेस्ट डिजीज है वो भी इंडिया से जो है इरेडिकेट कर दी गई है। WHO ने जो है गेमिंग डिसऑर्डर को एक मेंटल हेल्थ कंडीशन मान लिया है, और ये जो है उसके आने वाले 11th इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस का हिस्सा होगा। चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने जो है वो वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप टाइटल जीता है 2017 का, और जो कि हुआ था सऊदी अरेबिया में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1991, और उन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है, मेकिंग हिम द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन टू रिसीव दिस अवार्ड। लोकसभा ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंककरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2017 जो है वो पास कर दिया है, और ये किसको जो है अमेंड करेगा, ये सेम एक्ट को अमेंड करेगा जो कि 2016 में पारित हुआ था। नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम AIM अटल इनोवेशन मिशन जो है वो, उसने 1500 स्कूल और सिलेक्ट किए हैं टू एस्टैब्लिश अटल टिंकरिंग लैब्स, जो कि एनहेंस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड बच्चों में। विनय शश्रबुद्धे अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। इसरो ने अनाउंस किया है कि वो 31 सैटेलाइट्स इकट्ठे लॉन्च करेगी, इंक्लूडिंग इंडियाज कार्टोसैट 2 सीरीज अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पेसक्राफ्ट इन अ सिंगल मिशन ऑन January 10, 2018, और ये जो है PSLV C40 से लॉन्च होंगी फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट्स, इसरो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वो सारा जो है एक वीडियो हमने उस पर बना रखा है, जो आज तक इसरो की जितनी भी अचीवमेंट्स है, इंक्लूडिंग दी अचीवमेंट्स ऑफ 2017, अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी हैं, मेरा मतलब है कोई भी किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा है उसमें अगर उन्हें लगता है कि वो ज़रूरी हैं, तो उसके वीडियो जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आज तक की इसरो की सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। The Union Government has launched new scheme for protection of Majuli Island in Assam from flood and erosion. तो ये पूछा जा सकता है कि ये island कहाँ पे है, तो ये आसाम में है।
तो स्टूडेंट्स ये थे करंट अफेयर्स आपके दिसंबर के, नवंबर के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जुलाई से सितंबर के, बल्कि मई से सितंबर के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो अब हमारे रह गए अक्टूबर के, तो अक्टूबर के मैं कल अपलोड कर दूँगी, तो आपके करंट अफेयर्स जो हैं पूरे हो जाएंगे जो भी अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।